अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों ही पार्ट्स में हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी गई है। अब हमें इन दोनों ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के एंड टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए की बात करें तो उसमें जो हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है उसके लिए देखें तो उसकी फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट ऑफ 7 के इक्वल है। अब यदि इसके कॉमन रेशियो की बात करें तो वह हमें रूट 3 के इक्वल मिलता है। अभी हमने सीखा कि यदि किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म ए के इक्वल और कॉमन रेशियो आर के इक्वल है तब उसकी एन टर्म्स का जो सम है वह कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। अब पार्ट ए में देखें तो हमें इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए और आर की जो हमें ये वैल्यूज मिली है उन्हें हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तब हमें एस एन की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी। अब हमें जो एस एन की ये वैल्यू मिली है इसे हम रेशनलाइज करेंगे। तो इसके लिए हम इसे रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें एस एन की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी। यह जो वैल्यू हमें मिली है वह पार्ट ए में जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें गिवन है उसकी एन टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट करती है। अब हम पार्ट बी की बात करते हैं तो इसमें जो हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है उसकी फर्स्ट टर्म की बात करें तो वह एक्स क्यूब के इक्वल होगी। यदि इसके कॉमन रेशियो की बात करें तो वह एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। अब अगेन हमें पार्ट बी में भी गिवन जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसके एन टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए हम ए और आर की जो वैल्यूज हमें यह मिली है इन्हें हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तब हमें एस एन की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो पार्ट बी में गिवन जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसके एन टर्म्स का जो सम है वह कुछ इस प्रकार होगा।